हम जा रहे हैं ताजमहल और हमारे घर पर आए हुए हैं। ताजमहल देखने के लिए आए हैं स्पेशली, वो और कोई काम के लिए नहीं आए। ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं हम। तू पहली बार देख रही है ताजमहल? दूसरी बार? तुम लोग भी दूसरी बार देख रहे हो ना? तुम्हारे घर पे आए मेरे बुआ जी के बेटे और बहू, ठीक है? तो चलिए फिर वहाँ पर देखते हैं, पहुँचते हैं और उसके बाद में सब कुछ शेयर करते हैं। कैमरा लेके आए, कैमरा की ना बैटरी है ना ही कार्ड है, पता नहीं क्यों लेके आए। सिर्फ बाहर उठाने के लिए लेके आए हैं और पहुँचने के बाद देखते हैं कि कैसा होता है। अभी हम जाम में हैं और हमारे पास एक ऐसा ड्राइवर है जिसको रास्ता ही नहीं पता। तो उसको रास्ता बताना पड़ेगा। है पार्किंग एरिया और यहाँ पर मेनली जो है 3 पार्किंग एरियाज हैं और ये वाला जो पार्किंग एरिया है ना, यहाँ पर हमेशा हर साल ताज महोत्सव लगता है। इस बार कोरोना की वजह से ताज महोत्सव नहीं लगा। और जो सामने देख रहे हो वो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको 10 रुपये में पर सवारी आपको ले जाएंगे वो, और आपको इसी से ही जाना चाहिए क्योंकि किराया भी कम लगता है इस पर और इसमें बैठने भी बहुत मज़े आते हैं। और साथ में ये वाली जो गाड़ी आपको मेन गेट तक पहुँचाती है ताजमहल की। तो यहाँ से हमारा जो है सफ़र शुरू हो चुका है ताजमहल का और यहाँ पर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम जा रहे हैं ऑटो से और कोरोना ई रिक्शा से। हाँ, और कोरोना की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अभी ऑनलाइन सब कुछ है और टिकट लेना वगैरह सब कुछ। चलो आगे चलते हैं। अभी हम जो रास्ता बीच का होता है ना, ई रिक्शा से जाने वाला रास्ता होता है और मीना बाजार जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर सब कुछ एंटीक चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, जैसे कि भैया बता रहे हैं हमें ऑटो वाले। बांस की साड़ी, ये बता देगी सब कुछ। बोल, बांस की साड़ी, केले के पत्ते की साड़ी। मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। देखते हैं अब जाके क्या और क्या दिखता है नया। आर यू एक्साइटेड? वेरी वेरी। आर यू एक्साइटेड? यस। मास्क में कुछ नहीं पता चला। चलो फिर पहुंच के फिर देखते हैं। और रास्ता तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, बहुत ही तंग गलियाँ आगरा की और बहुत ही ज्यादा खड्डे। तो ये देखें, सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिनी ताजमहल। पहला वो ताज जो आपने देखा या देखने जाएंगे, ये दूसरा आता है, वर्ल्ड का दूसरा बिगेस्ट ताजमहल होता है। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है सिस्टर वीडियो। तो हम अभी जा रहे हैं पैदल ताजमहल की तरफ और अगर गवर्नमेंट की गाड़ी से जाते तो हमें ये वाला रास्ता तय करना नहीं पड़ता। अभी हम प्राइवेट अपने उससे आए हैं तो हमें तय करना पड़ रहा है ये रास्ता। दम पे जा रहे हैं। तो ये हमें गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट से क्यों नहीं आए। ताजमहल का मेन द्वार, अभी इससे हम अंदर चलेंगे और ये जो द्वार है ना, इसके अंदर से हम दूर से खड़े होकर देखेंगे ना तो वहाँ से पूरा ताजमहल दिखता है इसके अंदर। अभी जाएंगे हम तब देखेंगे। तो चलो फिर इसके अंदर चलते हैं अभी और थोड़ी ताजमहल के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर से बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी और फिल्मिंग की अनुमति सिर्फ यहीं तक है। तो आगे पता नहीं कि वीडियोग्राफी हो भी पाएगी, या हो भी पाएगी तो अनुमति नहीं है तो क्यों खींचना। तो देखो मैं आपको यहाँ से ताजमहल दिखा देती हूँ। देखो, और यहाँ से वहाँ से भी जाने की जगह है और यहाँ से भी जाने की जगह है। तो ये है ताजमहल। बहुत टाइम से ताजमहल का व्लॉग का आ रहा था कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। तो देखो ये है ताजमहल और ये है इसका एंट्री गेट। शेयर किया ये कि एंट्री गेट से पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। यहाँ पर खड़े हो जाओ एंट्री गेट के बिल्कुल पास से।
आए हैं, मेरा कोई मूड नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मौसम बहुत अच्छा हो गया आज, धूप नहीं है। अरे ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड यहाँ पे अलाव नहीं है अंदर लाना, तो मैंने ये ट्राईपॉड लेके आई हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमने सिर्फ यहीं तक की टिकट ली है, आगे टोकन मिलता है 200 रुपये का, तो देखते हैं अगर ऊपर जाएंगे तो ये लोग जाएंगे, हम तो नहीं जा रहे। यहाँ पर नीला नीला पानी, ये है ताजमहल। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, ये और ये एक जैसा बना हुआ है, दोनों दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल दोनों साइड में। और ये इसका द्वार है जो सामने की तरफ देख रहे हो आप, बिल्कुल द्वार बना हुआ है। और ऊपर सुहाना मौसम है एकदम, और उसके नीचे ताजमहल है बिल्कुल, और पीछे नदी है। हमने टिकट नहीं ली है नदी की, मतलब देखने के लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और हम लोग ऊपर जाकर देख ही आ चुके हैं, हर बार देख के आते हैं, इसलिए मैंने करा नहीं है। फिर से देखो रिपेयर हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो पत्थर हैं जो नीचे ज़मीन पे हैं, बहुत सारे रिपेयर होते रहते हैं और बनते रहते हैं। और यहाँ पर देखो रिपेयर हो रहा है, ये पूरा इसका दरवाज़ा है एक जिसमें से एंट्री होती है, ये है इसका। तो हम लोग नीचे नीचे घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं वापस, वो लोग अभी ऊपर हैं। 250 रुपये की टिकट है ऊपर जाने के लिए, और नीचे घूमने के लिए मात्र 50 रुपये की टिकट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आके बैठ चुके हैं, देखो पीछे हमारे ताजमहल है जैसा कि आप देख ही रहे हो। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बैठने का वो कर रहे हैं, देखो ऊपर बादल बहुत अच्छे हो रखे हैं लेकिन बहुत गर्मी है, और बहुत बैंड बज चुकी है बहुत बुरी तरीके से। और पीछे ताजमहल है, हम जाके आए हैं पीछे, मतलब ऊपर नहीं गए, बस नीचे नीचे ही बैठे थे। और किसी को अगर ताजमहल घूमने आना भी हो ना, तो प्लीज़ बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में ताजमहल देखने आओ, क्योंकि अगर गर्मी में देखने आओगे तो बैंड बज जाएगी सच में। और देखो बहुत ही ग्रीनरी है, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर फवारे वगैरह लगे हुए हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मैडम यहाँ पर आने के बाद? गर्मी बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है, मन कर रहा है बस। पता है हमारे साथ में हमारे भैया भाभी भी आए हुए हैं, तो वो ना पानी की बोतल भी ले गए हमारी, हम यहाँ पे प्यासे बैठे हैं। और यहाँ पर इस सीट पे बैठ के ताजमहल की फ़ोटोज़ खींचती हैं, देखो पीछे, वैसे वहाँ पर सामने भी है, देखो दिखाती हूँ मैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ खींचती हैं जो वो गुंबद को पकड़ के ऊपर से और फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं ना, वो वाली फ़ोटोज़। तो चलो फिर, ये है हमारा ताजमहल का व्लॉग, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में उन्हें वो बेल आइकन के साथ में करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके, है ना। बता दो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, बोलो ना, दिया करो भाई, बेचारी इतनी मेहनत कर रही है इतने दिन से, इसके ना लाइक आ रहे हैं ना सब्सक्राइब आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आई होप आपको मेरा जो आज का व्लॉग है अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि ताजमहल का व्लॉग नहीं आ रहा है, ताजमहल का व्लॉग नहीं आ रहा है, तो ताजमहल का व्लॉग आ चुका है और अच्छा लगा होगा आपको। वो वहाँ पर लास्ट में आपको जो दिख रहा है वो है म्यूजियम।
फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। बहुत थक चुके हैं और वापस जाने की तैयारी में, और इसमें जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसमें कितने रुपए टिकट है? 10 रुपए की टिकट है। आते हम 50 रुपए में 4 लोग आए हैं ना, और वो भी आधा रास्ता पैदल। आधा रास्ता पैदल आएंगे मुझे।